प्रख्यात शिक्षाविद डॉक्टर जगदीश गांधी लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ के संस्थापक प्रबंधक हैं। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के पद चिन्हों पर चलने वाले डॉक्टर गांधी ने 1956 में सिर्फ 5 बच्चों के साथ इस स्कूल की शुरुआत की। उनकी लगन और मेहनत का नतीजा ही कहिए और 50,000 से भी ज्यादा छात्रों वाला ये स्कूल विश्व का सबसे बड़ा स्कूल है। 1999 से इस स्कूल का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। डॉक्टर जगदीश गांधी का जन्म 10 नवंबर 1936 को अलीगढ़ जिले के बारसोली गांव में हुआ। वो लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम है और विश्व के अनेक देशों ने उन्हें ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की है। लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान वो सोशल एक्टिविटीज में भी शामिल रहे। महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कई आंदोलन चलाए। इस दौरान वो स्टूडेंट यूनियन के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष चुने गए। शादी के बाद पत्नी के साथ मिलकर सिटी मॉन्टेसरी स्कूल खोला। विश्व शांति के लिए उनकी कोशिशों को अमेरिका समेत कई यूरोपीय देशों ने सराहा और सम्मानित किया। डॉक्टर गांधी सामाजिक गतिविधियों में लगातार शामिल रहे। 1959 से 1964 के दौरान वो उत्तर प्रदेश नौजवान संघ के अध्यक्ष रहे। इसके अलावा 1960 से 1965 के दौरान वो उठो जवानों के संपादक भी रहे। 1961 से 1973 के बीच वो ऑल इंडिया चिल्ड्रन एंड यूथ फेस्टिवल के संस्थापक और महासचिव रहे। साथ ही 1962 से 1965 के बीच वो सहायक जिला स्काउट आयुक्त भी रहे। दुनिया भर के बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए परिवर्तनीय अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए अभियान चलाने के लिए उन्हें 21 अगस्त 2012 को विधि के क्षेत्र में मानद उपाधि भी दी गई। मार्च 2014 में उन्हें यूपी सरकार ने यश भारती सम्मान से भी नवाजा। शांति आधारित शिक्षा के लिए उन्हें साल 2011 में प्रतिष्ठित कूसी शांति पुरस्कार और साल 2002 में यूनेस्को की ओर से सम्मानित किया गया। He said, sir, my school is over, so I'm going to my home. I asked him, where is your home? Sir, just in front of the school gate. I said, I have seen the plate of your father. I am asking your house. And the child said, sir, what do you say? My father's home doesn't belong to me. I said, you seem to be very, very intelligent. Very intelligent. I said, you tell me, whose house is this? And the child said, this belongs to me. This is my house. Who made it? So my father. Your father has made that house, which is four-room house, which is in front of the school, and your father has made this home, this whole globe, the sun and the moon, the sky. So many continents, so many people in the world, your father has made them. Arey sir, everybody has made two fathers. Two fathers? Bhaiya, ye, I have only one father. What are you saying, bete? No sir, everybody has two fathers. Can you tell me who are the two fathers? Who told you? Sir, my teacher told me, bete, you have two fathers. One is the father of your physical body, who has made that house just in front of a school gate. And one is the father of a soul, who is the Almighty God, we call him by so many names, Almighty God, Parampita, Parampita. He is our father, but he is our pita. Of Paramatma, hamara kya hai? Parampita. Uncha pita, bada pita. He has made this house. So God has made this house. God also is my father. I mean, my father, everybody's father. So my father is also God. So many children belong to God. Even in our house,
We are four brothers, four sisters, or whatever it is. Father is one only. For so many children. So father for all the, father in heaven, for all the 7.5 billion people, there is one father. That is God. That is Almighty God. That is Parampita Paramatma. Who has made this globe? Sir, वो अपना है, पराया नहीं है. परमात्मा तो अपना ही पिता है ना, उसी की तो आत्मा हमारे अंदर है. पराया थोड़ी है परमात्मा, पराया है परमात्मा. हमारा नहीं है क्या? परमात्मा की तो आत्मा हमारे अंदर है. अब परमात्मा जब आत्मा को वापिस बना ले, फिर आंखें तो नहीं देख पाएगी, फिर कान तो नहीं सुनेंगे, वाणी तो नहीं बोलेगी, मुंह तो नहीं खाएगा, हाथ पैर तो हिलेंगे डिलोगे नहीं, मस्तिष्क तो काम नहीं करेगा नहीं. तो वो परमात्मा, और वो परमात्मा तो 24 घंटे हमारे साथ रहता है. हमारे पिताजी तो कभी कभी कानपुर भी चले जाते हैं, इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता भी जाते हैं, और वो तो दूसरे कमरे में सोते हैं. लेकिन मेरा जो आत्मा का पिता परमात्मा है, वो तो मेरे साथ ही रहता है. दिन में मेरी सांसें चलाता है, रात को भी मेरी सांसें चलाता है, पूरी रात पूरे दिन 24 घंटे मेरे साथ रहता है. मेरा परमात्मा कभी मुझसे अलग नहीं होता, क्योंकि वही तो मुझे मार्गदर्शन देता है. मेरी आंखें देख रही हैं तो वो अंदर है ना, तभी तो देख रही हैं. मेरे कान सुन रहे हैं तो वही तो अंदर है जो सुनवा रहा है. मेरी वाणी बोल रही है तो कौन बोल रहा है? परमात्मा की कृपा से तो परमात्मा ही, तो आत्मा ही तो बोल रही है. मेरे हाथ हिलते हिलते कौन करवा रहा है? परमात्मा ही तो है. मस्तिष्क सोच रहा है, कर रहा है कुछ, ये परमात्मा ही तो है मस्तिष्क में बैठा हुआ. और परमात्मा इसे वापिस बुला लिया आत्मा को, फिर आप कितने भी ताकतवर हो, क्या आपकी आंखें देख पाएंगी, कान सुनेंगे, वाणी बोलेंगे, मुंह खाएगा, हाथ पैर लेंगे डोलेंगे, मस्तिष्क काम करेगा? कुछ नहीं करेगा. घर के लोग कहेंगे भाई ले जाओ, जला के आओ, गाड़ कराओ, कुछ नहीं बचा, सब कुछ गया, एवरीथिंग इज गॉन. कोई कहे कि भैया क्या चला गया, सब तो मौजूद है. वजन ले लो अपने आदमी का, तोल लीजिए, सब पूरा वजन मौजूद है. अरे आप फोटो ले लीजिए जैसा था, मिला लीजिए, क्या फर्क है इसमें, सब कुछ मौजूद है. कहते नहीं भैया, ये तो मिट्टी है, सब कुछ गया. आत्मा चली गई, आत्मा ही सब कुछ है. परमात्मा ने आत्मा बुला ली, ये आत्मा परमात्मा की है, परमात्मा ने बुला ली है. प्यारे बच्चों, जब यीशु मसीह को फांसी दी जा रही थी, कीले ठोक रहे थे लोग बड़े बड़े हथौड़े लेकर, तो प्रार्थना कर रहे थे हे परम. उन्हें डर क्या लगा? उन्हें लगा कि ये जो मुझे कीले ठोक रहे हैं, मार रहे हैं मुझे, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान इनसे नाराज हो जाए, इनको दंडित कर दे. अब वो तो दयालु थे, किसी को दुख देना नहीं चाहते थे, वो तो करुणा के सागर थे, दया के सागर थे. और उनके द्वारा किसी को तकलीफ हो जाए, उनकी कीले लगे, उनको मारा जा रहा है, उसकी वजह से किसी को दुख हो, तो ईसा को तो बर्दाश्त नहीं था. किसी का भी दुख बर्दाश्त नहीं होता था उन्हें. तो उन्होंने प्रार्थना शुरू करना शुरू किया, क्योंकि और तो कुछ कर नहीं सकते थे, रस्ते से बंधे हुए थे, सलीब पे बांध दिया गया, बड़े भारी रस्ते से लोहार बुलाया गया, और वो हथौड़े मंगाए गए, कीले मंगाए गए, और शरीर में कीले ठोकी जा रही थी. तो वो क्या करने लगे? तो प्रार्थना की उन्होंने, और क्या करते. उन्होंने, हे परमात्मा, तू इन्हें माफ कर दे जो मुझे सूली दे रहे हैं, क्योंकि तो अबोध और अज्ञानी है. इनके माता पिता ने, इनके शिक्षकों ने इन्हें ईश्वर का ज्ञान नहीं दिया, आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान नहीं कराया. परमात्मा की जो आत्मा है, जो मनुष्य के अंदर है, उसका भी बोध नहीं कराया इन्हें. इन्हें ईश्वर की आज्ञाओं का ज्ञान ही नहीं है. मानव जीवन के कर्तव्य तो ये है कि प्रभु को हम जाने, उसकी पूजा करें, यानी प्रभु की आज्ञाओं को जानकर उन पर चले. तो इन्हें प्रभु की आज्ञा ही नहीं मालूम है.
ये प्रभु की आज्ञा है ना, किसी ने बताई नहीं, तो चले किस पर ये? तो मनुष्य का जन्म तो एक ही काम के लिए हुआ है, प्रभु की आज्ञा को जाने उस पर चले, और कोई काम ही नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को बनाने का एक ही काम तय किया, प्राणी को मैं बना रहा हूँ, हे प्राणी मैं तेरा पिता हूँ तेरी आत्मा का, तू मेरी शिक्षाओं को जान और मेरी शिक्षाओं पर चल, मुझे जानने माने मेरी शिक्षाओं को जान और मेरी पूजा कर, अर्थात उन पर चल, और कोई तो तरीका पूजा का होता नहीं, बाकी तो रिचुअल्स है, रिचुअल्स तो लोग बहुत करते हैं, और रिचुअल्स आर नॉट टू डू, नथिंग टू डू विद वर्शिप। वर्शिप इज प्योर एंड सिंपल ओबीडियंस टू द कमांड ऑफ द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। तो प्यारे बच्चों, जब आत्मा का परिचय नहीं होता, परमात्मा का हमें परिचय नहीं होता, हम परमात्मा की शिक्षाओं को नहीं जानते, तो हमारा जीवन निरर्थक हो जाता है। अभी स्कूल के बच्चों ने प्रेयर करी, आई बियर विटनेस ऑफ माय गॉड दैट थाउ हैज क्रिएटेड मी फॉर टू थिंग्स, नंबर वन टू नो दी, नो दी मीन्स नो योर थॉट्स, योर आइडियाज, नो दी मीन्स नो योर आइडियाज, योर थॉट्स, योर टीचिंग्स, एंड टू वर्शिप यू, नो दोज टीचिंग्स एंड एक्ट अपॉन दोज टीचिंग्स। ऑल दीज टीचिंग्स हैव कम फ्रॉम वन गॉड, गॉड इज वन ओनली। रामायण कहती है कि जब जब हुए धर्म की हानि, बाढ़ है असुर अधम अभिमान, तब तब प्रभु, एक ही प्रभु है, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर है कृपा निधि सज्जन पीरा। वो कभी राम के रूप में आएगा, कभी बुद्ध के रूप में, और कभी कृष्ण के रूप में। यहाँ पे आप देखें कि एक स्कूल है, बच्चा बैठा है, और वी हैव मेड ए सिंबल ऑफ गॉड। एक्चुअली गॉड हैज नो सिंबल, गॉड हैज नो प्लेस, ही लिव्स इन आवर हार्ट, ही लिव्स एवरीवेयर, ही लिव्स, ही इन द एयर, ही इन द वाटर, कोई भी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है, ही इज ऑन द टॉप, ही इज इन द बॉटम, ही इज ऑन द लेफ्ट, ही इज ऑन द राइट, ही इज इन द फ्रंट, ही इज एट द बैक। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ परमात्मा न हो, क्योंकि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा तो आत्म तत्व है। ये सारा संसार उसी आत्म तत्व के कारण है। संसार में दो तत्व है, एक भौतिक तत्व है, एक आत्म तत्व है, और सब इसी संसार में। मनुष्य का शरीर जब समाप्त होता है तो शरीर भी इसी सृष्टि की पांच चीजें हैं, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह रचित शरीर। तो शरीर चाहे गाड़ दे चाहे जला दे, वो तो पांच तत्वों में विलीन हो जाता है, और आत्मा हमारी इसी सृष्टि में कण कण में व्याप्त परमात्मा की आत्मा है, आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। तो आप एक छोटी सी चीज देखिए, इस जमीन के अंदर आप देखें तो गेहूं भी है, चावल भी है, सेब संतरे के पेड़ भी हैं, केले भी हैं, और आपको रेशम चाहिए तो रेशम भी नीचे से निकलता है, कपास चाहिए तो वो भी नीचे ही, आपको आम चाहिए तो वो भी नीचे ही है। इसी मिट्टी के नीचे दुनिया भर की हर चीज है, ऐसा गोदाम भगवान का है। एवरीथिंग इज इन, और ऊपर से चलते भी आप हैं मिट्टी के ऊपर, आप जानते भी नहीं कि इसके नीचे तो गेहूं है, इसके नीचे तो चावल है, इसके नीचे तो सारी चीजें, सब्जियां भी इसी के नीचे, सब कुछ इसी के अंदर है। और बाहर क्या है? बाहर हवा है, पानी है, सूरज है, चांद है, हम सब लोग हैं। तो ये सृष्टि भगवान की एक बड़ा अजूबा है, इट इज अ वंडर ऑफ द गॉड क्रिएटेड वंडर। कोई भी आदमी देख के कहेगा कि यार भगवान ने कैसी दुनिया बनाई है, इस जमीन के अंदर सारी चीजें,
चाहे केले निकालो, चाहे संतरे, चाहे गेहूं निकालो, चाहे चावल निकालो, सब कुछ जमीन में। सोने की गहने बनाने हैं, सोना भी जमीन में मिलेगा। चांदी के बनाने, चांदी भी जमीन में मिलेगी। सब कुछ यही है। और शरीर भी इन्हीं पांच तत्वों से मिलकर बना है, क्षित जल पावक गगन समीरा। और जब शरीर नष्ट होता है, इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाता है। और इसी आत्म तत्व में से हमारे अंदर आत्मा आई है। और जब आत्मा इस शरीर में आई और जब वापस जाती है, तो इसी तत्व में परमात्मा का तत्व है, उसमें मिल जाती है। तो ये सारी की सारी सृष्टि, सारा भूमंडल, ये सारी गैलेक्सीज, जितने भी गैलेक्सीज अब तक गैलेक्सीज है, इन सब में परमात्मा की शक्ति है। वो कोई व्यक्ति नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, और इसलिए उसका कोई नाम भी नहीं। भाई जब जन्म होगा तो माँ बाप नाम रखेंगे, परमात्मा का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ। कदम हमारे रुके कभी ना, तूफानों से डरे कभी ना, आगे बढ़ते जाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे हम। गौरव है सीएमएस के, हम इसकी शान बढ़ाएंगे। कदम हमारे रुके कभी ना, तूफानों से डरे कभी ना, आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। हम गौरव हैं सीएमएस के। बढ़े चलो साथी रे, बढ़े चलो, बढ़े चलो साथ। चाहे लाख आंधियां आए, चाहे मेघ तिमिर के छाए, आहा आहा। मंजिल पर हम बढ़ते जाएंगे, अपनी मंजिल पर हम बढ़ते जाएंगे। हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम गौरव हैं सीएमएस के।
के शोलों को हम बुझाएंगे, प्रेम एकता शांति का संदेश हम फैलाएंगे, धर्म युद्ध और नफरत के शोलों को हम बुझाएंगे, प्रेम एकता शांति का संदेश हम फैलाएंगे, सत्य अहिंसा के फूलों से, सत्य अहिंसा के फूलों से विश्व का चमन सजाएंगे, विश्व का चमन सजाएंगे, विश्व का चमन सजाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम गौरव हैं CMS के। बढ़े चलो साथी रे, बढ़े चलो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये भेद मिटा देंगे, पात और ऊंच नीच की हर दीवार गिरा देंगे, हर दीवार गिरा देंगे, हर दीवार गिरा देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का ये भेद मिटा देंगे, जात पात और ऊंच नीच की हर दीवार गिरा देंगे, हर एक मानव के दिल में हम प्रेम का दीप जलाएंगे, वृक्ष लगाएंगे, नई योजना नए विचारों के हम फूल खिलाएंगे, जय जगत का नारा लेकर, जय जगत का नारा लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम गौरव शान बढ़ाएंगे, कदम हमारे रुके कभी ना, तूफानों से डरे कभी ना, आगे बढ़ते जाएंगे, हम 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 आगे बढ़ते जाएंगे। We raise the banner of our school.
शिक्षात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं चिंतन हेतु विश्व एकता सत्संग में आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।